सुदेहा उनकी पत्नी थी। शादी को बहुत साल हो गए पर संतान नहीं हुई। सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा को कहा कि पतिदेव बहुत वर्ष हो गए संतान नहीं है, तो मेरी इच्छा है कि आप मेरी छोटी बहन से दूसरी शादी कर लो। सुधर्मा ने कहा नहीं देवी, ये मैं नहीं कर सकता। बोले नहीं पतिदेव, मैं कहती हूं आप मेरी छोटी बहन से दूसरी शादी करो। मना कर दिया, पर वो भी अड़ गई जिद पर कि नहीं पतिदेव। सुधर्मा ने कहा फिर मैं शादी करूं और उसको संतान हो तो तुझे फिर कुछ मन दुख हो तो? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, वो मेरी बहन है, मुझे क्यों दुख होगा। कथा आती है शिव पुराण में, शादी हो गई। समय बीता, सुदेहा की छोटी बहन का नाम गुष्मा था, गृष्णा भी लिखा है कहीं, गुष्मा गृष्णा जो कहो। बेटा हुआ, घर में खुशियां छा गई, पर धीरे धीरे सुदेहा को ईर्ष्या होने लगी कि मेरे पति इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मेरे पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि बेटा उसको हुआ है, मेरे को नहीं हुआ। हकीकत में सुधर्मा ऐसे आदमी नहीं थे। कई बार मूढ़ लोग अपने मन से ही कुछ बातें सोच सोच कर गलत फहमियां बढ़ा लेते हैं। जितनी देर फालतू बातें सोचते ना, उतनी देर अगर भगवान का नाम बोले तो कितना अच्छा। पर सोचने की आदत पड़ गई, कुछ न कुछ कुछ न कुछ दिमाग दौड़ाते रहते, शांति तो लेते ही नहीं। आदत होती है कई लोगों की। जीवन रसायन पुस्तक पढ़नी चाहिए और अपने जीवन में शांति बढ़ानी चाहिए। हरिद्वार में गुरुदेव का सत्संग हुआ एक महीने तक, उसकी VCD भी है और MP3 भी है, वो सुने। और एकदम जिज्ञासुओं के लिए सत्संग हुआ था हरिद्वार का, गुरुदेव का, वो सुने और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें। मथुरा में भी हुआ था, वो भी सुनकर अपनी उन्नति करें, अपना समय सार्थक करें। संसार में उपद्रव कम होने वाले नहीं है, ये तो चलता रहेगा। पहले भी होते थे, भगवान राम के जमाने में भी और अभी भी। खैर, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, भगवान सबका भला करें। सुदेहा को ईर्ष्या होने लगी और एक दिन रात को घर पे जब सब सोए थे तो सुदेहा ने अपनी ही बहन के बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके उसको मार डाला, हत्या कर दी और उसको तालाब में फेंक दिया। सुबह हुई, कृष्णा को पता चला, वो समझ गई कि ये काम मेरी बहन का है, पर कुछ बोली नहीं। उसका नियम था रोज का, आटा लगाती, जैसे रोटी सेकने के लिए आटा बहने लगाते से आटा तैयार करती और आटे के छोटे छोटे 100 शिवलिंग बनाती और पूजा करती, तिलक करती, अक्षत चढ़ाती, फूल रखती, ओम नमः शिवाय का जप करती। ये उसका नियम था रोज का। जप का, पाठ का, प्राणायाम का कुछ नियम होना चाहिए। सुबह उठते ही वही लाओ, चाय बनी के नहीं, कॉफी बनी के नहीं, दूध गर्म हुआ के नहीं। ख्याल रखा जाए स्वास्थ्य का भी, शारीरिक स्वास्थ्य का भी और मानसिक स्वास्थ्य का भी। खाने की मना नहीं है, हम लोग नहीं खाते, पर युक्ता हार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु। खाएं, भले
स्वाद वाला खाएं, पर अति से बच जाएं, अति नहीं। और स्वाद भी हितकर होना चाहिए। पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, बोले मेरे को तो स्वादिष्ट खाना अच्छा लगता है। भोजन सुखकर हो पर हितकर भी हो, अहितकर भोजन न हो और अति न हो। सुखकर हो, स्वाद में ठीक हो, पर अति न हो कि नींद आ जाए ज्यादा, फिर भजन ध्यान न हो, जप में मन न लगे, फिर बोले कि चलो अब सो जाएं। कई लोग खाने में बहुत अति। एक आदमी अपने ससुराल गया, वहां खाने बैठा तो सास ने देखा कि मेरा दामाद आया, तो खूब बनाया कि मेरा दामाद जो है, तो रोटी भी बनाई और पूरी भी बनाई। तो वो पूरी बहुत दिनों के बाद मिली थी, एक ग्रास में एक पूरी खा रहा था। सास सोचने लगी कि मेरा दामाद है कि राहु है, राहु जैसे चंद्र को निगल जाए, ऐसे पूरी, एक पूरी एक ग्रास में स्वाहा। तो उसकी पत्नी ने इशारा किया कि मायके में आई हूं, क्यों मेरी इज्जत खराब करते हो, कि क्या सोचेगी मेरी माँ और मेरे भाई, मेरी भाभी, कि भाई न माई जो घोटे हेड़ो है ऐसा है। तो इशारा किया पर्दे के पीछे से के मतलब एक ग्रास में एक पूरी मत खाओ, एक के दो तो करो, एक पूरी के दो ग्रास तो करो, आप एक में एक निगल रहे हो। तो पति समझा कि ये इशारा कर रही है कि एक ग्रास में एक पूरी नहीं, एक ग्रास में दो खाओ। वो उल्टा समझा, ये भी कम नहीं था। इसने एक साथ दो दो स्वाहा करना शुरू किया। सर्दी के दिन थे, बिचारी सास को पसीना आने लगा। तो सास बोली के बेटे तुम पानी नहीं पीते हो बीच में? वो बोला कि जब मैं आधा खा लेता हूं ना तब पानी पीता हूं। सास को चक्कर आने लगे कि इसका आधा है ना, मुझे अध करने थी दो, आधा कब होगा इसका? अति ना हो, खाने में अति नहीं, सोने में अति नहीं, व्यर्थ बोलने में अति नहीं। ख्याल रखें, घर में एक ने गुस्सा किया तो दूसरा जरा शांत हो जाए। ट्रक हाईवे पर नहीं होता है, हाईवे पर आपने देखा होगा रात के टाइम क्या होता है, डिपर देते हैं ना, लाइट कम देते हैं, कम कर देते हैं, ताकि सामने वाले को उसका रास्ता दिखे और इधर वाले को इधर का रास्ता, एक दूसरे को डिपर देते हैं। आंखों में लाइटें आने के कारण रास्ता ना दिखे और एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसे ही। और समझदार लोग होते हैं ना, वो फिर कम कर देते हैं। कोई ना समझ होता है और हाई बीम करके आ रहा हो, हाईलाइट करके, तो कोई नहीं भी करते ना समझ, रात को सामने वाले की तकलीफ के ख्याल नहीं करते। तो घर में एक व्यक्ति अगर हाईलाइट करके आ रहा हो एकदम ज्यादा, तो सामने वाले को चाहिए कि डिपर दे दे, शांत हो जाए, चल भाई तू निकल जा, उसके गुस्से को निकल जाने दो। पर आमने सामने गुस्सा तो कैसे काम होगा। पति आया घर पे खाने के लिए, बैठा तो चावल में कंकर आया। पत्नी को डांटता हुआ बोला, भगवान ने दो आंखें दी है, कंकर बीन नहीं सकती थी चावल में से, चावल सोई ना पी सकी। तो पत्नी बोली, भगवान ने 32 दांत दिए हैं, एक कंकर चबा नहीं सकते हैं। तो कृष्णा जो थी वो ऐसी समता में रहने वाली देवी थी कि उस दिन भी जब बेटे की हत्या हो गई, उस दिन भी आटे के छोटे छोटे 100 शिवलिंग बनाए और पूजा शुरू कर दी। आंखों में प्रेम भक्ति के आंसू और उसने पूजा शुरू कर दी, हाथ जोड़कर भक्ति भाव से। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर गतम पापम गतम दुखम। अब इतना बड़ा दुख, बेटा मर गया उसका दुख, और बोलती क्या है, गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च
आगता सुख संपत्ति पुण्यो हम तव दर्शनात्। आपके दर्शन से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। शिकायत नहीं करती है कि हाय रे मैं आपकी इतनी भक्ति करती थी इतने साल से और आज मेरा बेटा मर गया, आपने मेरे बेटे को बचाया नहीं, ये शिकायत नहीं की। कई लोग तो अनुकूलता होती है तो भक्ति करते हैं, प्रतिकूलता आई तो फिर शिकायत करते हैं। ऐसा हेदन सालन का माला कंदावासी, ऐसा हेदन सालन का सेवा कंदावासी, हमने इतने साल पूजा की प्रार्थना की फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों आया? मतलब आप पूजा प्रार्थना करते थे मेरे जीवन में दुख ना आए, ईश्वर के लिए नहीं करते थे, भगवान के लिए नहीं करते थे, बस मेरे को जरा मजा आता रहे, मेरे को सुविधा मिलती रहे। मीरा के जीवन में कितनी प्रतिकूलता आई, भक्ति छोड़ी, या ऐसा कहा गया भगवान मैं इतनी भक्ति करती हूँ फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आया, मुखे मुंजी ससे एडो दुख छोती दे। मीरा ये थोड़ी चयो कि मैं एडी भक्ति कई, एडा साल भक्ति कई, मुझो देर मुखे सताए तो मुझी सस मुखे सताए थी, छा कया, दुखी लगी पई आया, इन खा त भक्ति न कया तो सुठो हो, ऐसा थोड़ी सोचा मीरा ने। वो तो लगी रही, प्रतिकूलता मीरा की भक्ति में बाधा नहीं बनी और प्रतिकूलता भक्ति में बाधा है भी नहीं, डालती भी नहीं। भक्ति में रुकावट डालती है अनुकूलता की इच्छा, ये भक्ति में रुकावट है, बाकी प्रतिकूलता भक्ति में रुकावट नहीं डाल सकती है। फिर भी मैं आपको बताऊं, समझो आप घर पे रहते हैं और आपके सिर पे ना करे नारायण, आपके सिर पे कर्जा है और उसका आपको टेंशन है, तो आप घबराओ मत, टेंशन मत करो। नियम ले लें कि हर मंगलवार को नमक नहीं खाएंगे, बस फीका भोजन करेंगे, और महीने में एक शिवरात्रि आती है, पंचांग से पता चल जाता है कौन से दिन कौन सी तिथि, तो उस दिन शाम को सूर्य अस्त हो उस समय शिव जी का पूजन करें, गुरु का पूजन करें। और मासिक शिवरात्रि अगर मंगलवार को पड़ती है तो उस दिन विशेष रूप से शाम की संध्या के समय शिव जी का पूजन अर्चन करें। उसको भौम प्रदोष व्रत कहते हैं और वो 29 दिसंबर को है, मंगलवार और मासिक शिवरात्रि 29 दिसंबर, उसका फायदा उठाना। कर्जा सिर पर है तो इसका फायदा उठाएं और पंचांग में आगे भी देखते रहना कि ये योग कब बनता है, तो आगे की तिथियां भी जानने को मिल जाएगी। और जल्दी थोड़ा पुरुषार्थ करना और जल्दी कर्जे के भार से मुक्ति मिल जाएगी, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता कम, व्यक्तिगत खर्च कम, तो जल्दी इस टेंशन से मुक्ति मिले। परसों एक लड़के ने बताया, बोले मैंने और मेरे पिताजी ने 21 मंगलवार ये नमक बिना का भोजन किया, 30 लाख में से 24 लाख रुपया कर्जा उतर गया, खाली 6 लाख बचा है, अब वो भी उतर जाएगा। परसों मुझे बताया, शादी हो गई, बेटी को ससुराल में तकलीफ है तो उसको सिखाओ, अमावस्या के बाद जो तीसरा दिन आता है शुक्ल पक्ष की तृतीया, शुक्ल पक्ष की त्रीज, उस दिन बेटी नमक बिना का भोजन करे, गाय को अपने हाथ से दो रोटी और गुड़ खिला दे। कई लोग गायों को ऐसी चीजें खिलाते हैं कि बेचारी गाय बीमार हो जाए, कच्चा आटा लाकर गाय को खिला देंगे। अब किसी ने सुना दिया कि गाय को आटा खिलाओ कच्चा, अरे बेवकूफ, सिखाने वाला भी मूर्ख और खिलाने वाला भी कम मूर्ख नहीं है। गाय